नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार आपको इंतज़ार रहता है एक नए मेहमान का, तो इस बार हमारी साथ जो मेहमान हैं वो राजनीति के क्षेत्र के एक दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप हैं गुजरात के गवर्नर श्री ओपी कोहली साहब। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोहली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कोहली जी, विशेष आपका जो फील्ड रहा है, मैं आपका रिज्यूम देख रहा था, उसमें एक लंबा समय आपने शिक्षा के क्षेत्र को दिया है, बच्चों को दिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहा ही करते थे कि वैसे किसी भी देश का निर्माण संसद में नहीं लेकिन कक्षाओं में होता है। तो आज जो हमारी शिक्षा नीति है कोहली जी, आप कहाँ तक उसे ऐसा मानते हैं कि परफेक्ट है, उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ जोड़ा जाना चाहिए, कुछ मूल्यों की आवश्यकता है, क्या मानते हैं, आपकी क्या मान्यता है इस विषय? परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती ईश्वर के सिवाय जी। सुधार की गुंजाइश, परिवर्तन की गुंजाइश रहती ही है और हमारी शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन की आवश्यकता केवल अब नहीं लेकिन आज़ादी के बाद से बराबर अनुभव की जा रही है जी। और इसीलिए समय समय पर सरकार की ओर से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग गठित किए गए। उन आयोगों ने अपनी सिफारिशें दी, कुछ सिफारिशें लागू हुई, कुछ बिना लागू हुए पड़ी हैं। और इसके साथ साथ समय बदलता गया, समय बदलने के साथ नई चुनौतियां आती गईं और शिक्षा का काम अपने समय की चुनौतियों का हल ढूँढना भी होता है। और शिक्षा का काम किसी भी राष्ट्र और समाज की कुछ स्थायी बातों को भी ध्यान में रखकर मजबूत करना होता है जी। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के दोहरे काम हैं। एक, वह अपने ज़माने की, बदलते हुए ज़माने की ज़रूरतों को पूरा करे और दूसरा, वो राष्ट्र की, समाज की कुछ स्थायी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करें। ये दो दायित्व शिक्षा को निभाने होते हैं जी जी। मुझे लगता है कि आज बदलता हुआ ज़माना जो है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसी हो जो ग्लोबलाइजेशन के साथ मैच कर सके, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर दे सके, वो ऐसी हो जिसमें स्किल और कौशल वर्धन पर जोर हो, वो ऐसी हो जो रोज़गार दिला सके। ये तो बदलते हुए समय की ज़रूरत के हिसाब से है जी। कहा जाता है कि अब हम एक नई प्रकार की क्रांति के ज़माने से गुज़र रहे हैं और उसको नॉलेज रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो ये जो नए प्रकार की क्रांति हो रही है उसको कभी नॉलेज रेवोल्यूशन कह देते हैं, कभी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कह देते हैं, कभी उसको ग्लोबलाइजेशन कह देते हैं। उसके लिए भी कोई एक खास नाम नहीं है, पर ये बात ज़रूर है कि ज़माना बदल रहा है जी, और उसके अनुसार शिक्षा नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। एक आवाज़ लगातार उठती रही है कोहली जी कि हम बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन शायद दीक्षित नहीं कर पा रहे हैं, या क्वालिफिकेशन तो दे रहे हैं लेकिन वो क्वालिटीज़ हम अपने बच्चों के अंदर नहीं ला पा रहे हैं। तो जो एक आदर्श इंसान बनाना चाहिए, जो हमारी पहले की गुरुकुल नीति में, शिक्षा नीति में रहा करती थी कि एक अच्छा इंसान बन के बच्चा निकला करता था, आज शायद क्या उसका अभाव महसूस नहीं करते आप? मैं इसी विषय पर आ रहा था, आपने बीच में टोक दिया जी। तो शिक्षा को एक तो सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया जी। लेकिन शिक्षित व्यक्ति से समाज की अपेक्षा ये होती है कि वो ज़रा अलग प्रकार का व्यक्ति होगा। कैसा होगा? वो समाज के प्रति प्रतिबद्ध होगा, वो कुछ जीवन मूल्यों को लेकर जीने वाला होगा, वो कुछ समाज का मार्गदर्शन करने वाला होगा, उसमें कुछ लीडरशिप की क्वालिटी होगी, वो समाज को दिशा दे सकेगा। अब इस प्रकार की अपेक्षा शिक्षा से होती है कि वो ऐसे लोगों को तैयार करे। अब इस प्रकार के लोगों को तैयार करने का अर्थ है जिसको स्वामी विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन कहते थे,
मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। अब ये मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा जो है, इसमें व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर व्यापक समाज के साथ जोड़ना, ये संवेदना, ये करुणा, ये आत्मीयता, ये धर्म भावना, ये नीति भावना, जीवन मूल्य, कुछ भी इनको नाम दीजिए, ये अलग अलग नाम हैं। लेकिन मैं अपनी ही चिंता करता रहूं और अपने दायरे से बाहर न निकलूं, एक ये तरीका हो सकता है। एक ये हो सकता है कि हमारा तो, भारत का तो तत्व दर्शन ये कहता है कि एक ईश्वर सब में व्याप्त है, और सब में व्याप्त है तो ये सब जड़ चेतन जगत एक इकाई है। एक इकाई में मैं उसका हिस्सा हूँ तो मैं दूसरों से अलग कैसे रह सकता हूँ? दूसरों से जुड़ना, इसको ही धर्म कहते हैं, इसी को नीति कहते हैं। ये जो एक करुणा, संवेदना, ये एक नाम है। इनको अगर आजकल की भाषा में कहें तो सोशल कमिटमेंट, इस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है। क्या हमारी शिक्षा में इस प्रकार के लोग तैयार करने पर एम्फेसिस है कि नहीं? जब हम इसका विचार करते हैं तो लगता है कि ये पहलू कमज़ोर है और इस पहलू पर जोर देने की ज़रूरत है। तो अभी विशेष करके आप ब्रह्मा कुमारीज में जब आए हैं, एजुकेशन विंग के प्रोग्राम में आए हैं कोहली जी, तो खास ब्रह्मा कुमारीज का जो एजुकेशन विंग है, राज्य एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का जो एक विंग है, विशेष प्रयास इस दिशा में कर रहा है। आपने कहा कि माना कि कमज़ोर कड़ी है ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में, तो जो मूल्य शिक्षा विद्यालय के द्वारा दी जा रही है, विशेष एजुकेशन विंग के द्वारा तैयार किया गया एक पूरा ही सिलेबस है, कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसे फॉलो कर रही हैं, आपका क्या मानना है इस विषय में? क्या इस चीज़ को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए? व्यक्ति शिक्षा क्या केवल फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही पाता है? ये मेरा प्रश्न है, ये काउंटर क्वेश्चन है। हालांकि प्रश्न करने का अधिकार आपका है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या व्यक्ति शिक्षा फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही पाता है? लेकिन एक बात इसके बाहर समाज में व्यक्ति को शिक्षा देने के अनेक चैनल हैं। अब ये ब्रह्मकुमारी संस्थान है, ये लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने के काम में लगा हुआ है। तो ये फॉर्मल क्लास लेते हों या ना लेते हों, लेकिन पूरे वातावरण में ऐसे संस्कार पैदा करते हैं कि व्यक्ति का जीवन बदलता है। हमारे यहाँ पर कितने ऐसे धर्माचार्य हैं जो कथाएं करते हैं, और उनकी कथाओं में, उनके प्रवचनों में हजारों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तो क्या वहाँ उनका शिक्षण नहीं हो रहा? मीडिया क्या शिक्षण नहीं करता? मीडिया भी शिक्षण करता है, अखबार चैनल ये भी शिक्षण करते हैं। इसलिए एक तो हम ये सोचें कि शिक्षा केवल फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चैनल से ही होती है, ये गलत बात है। इसके अलावा शिक्षा देने के और बहुत से इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल चैनल हैं, और इसी दृष्टि से ये जो ब्रह्मकुमारी संस्थान है, इसको मैं उसी नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल चैनल की श्रेणी में रखता हूँ। ये एक आध्यात्मिक जागरण के जो प्रयास चल रहे हैं वो थमा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद के साथ या योगी अरविंद के साथ थम गया हो, ऐसा नहीं है, वो चला आ रहा है, तो ये उसी की कड़ी है। बिल्कुल, मतलब ये जो हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना था कि यदि इसे हम अपनी शिक्षा नीति में, सिलेबस में शामिल कर दें, तो क्या बड़ा परिवर्तन हम नहीं देखेंगे? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी यहाँ आए थे, वो इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि यदि सिलेबस में मूल्यों को शामिल कर लिया जाए तो देश का जो हुलिया होगा, हालात होंगे, कुछ और होंगे। मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है, अगर वो मूल्यों से अनुप्राणित है, तो चाहे कोर्स में नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, हमारे मैथमेटिक्स के एक टीचर थे, प्रोफेसर शांति नारायण। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है, विषय तो था उनका मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में मूल्य शिक्षा को वाली बताइए कहाँ लाएंगे, लेकिन उनका व्यक्तित्व,
वो अपने क्लास में मैथमेटिक्स 50 मिनट के पीरियड में 30 मिनट पढ़ाते होंगे, तो 20 मिनट इधर उधर की बातें करके वो छात्रों को एक जीवन दृष्टि देने का प्रयास करते थे। इसलिए हम केवल पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा रख दें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रखें, उचित है, रखनी चाहिए। पर इससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि शिक्षा देने वाला शिक्षक, अगर वो संस्कार देने की क्षमता रखता है, उसका अगर सोशल कमिटमेंट है, वो अगर एक नैतिक दृष्टि रखता है, उसका स्वयं का जीवन कुछ जीवन मूल्यों से अनुप्राणित है, तो फिर वो कोई भी विषय पढ़ाता हो, विज्ञान पढ़ाता हो, तो भी उसमें से वो गुंजाइश निकाल लेगा। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देने के लिए गणित पढ़ाता है तो कर लेगा। एक और बात, दूसरी, एक इम्बैलेंस हमारी शिक्षा में आया है। वो इम्बैलेंस क्या है कि आज जिधर देखो आप, शिक्षा का मतलब हो गया है साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, यानी ये शिक्षा रह गया। जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ पिछड़ गई हैं। कोई अपने बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ में लाना नहीं चाहता। अब ये जो असंतुलन पैदा हो गया है, इसकी चिंता रविंद्रनाथ टैगोर को भी थी। रविंद्रनाथ टैगोर देख रहे थे कि दुनिया इस दिशा में बढ़ रही है कि जो मनुष्यों के जीवन को दिशा देने वाले विषय हैं, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ और मानविकी कहते हैं, आज हम वो देख रहे हैं। कोई अपने बच्चे को फिलॉसफी नहीं पढ़ाना चाहता, कोई अपने बच्चे को सोशल साइंस नहीं पढ़ाना चाहता, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाना चाहता, हिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहता, लिटरेचर नहीं पढ़ाना चाहता। मुझे बताइए, हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, ये ऐसे विषय हैं जो व्यक्ति को विजन देते हैं, ये शिक्षा में से पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए जहाँ एक और शिक्षा की पूरी व्यवस्था में हमको नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों की शिक्षा को उचित स्थान देने की ज़रूरत है, वहाँ साथ ही इस बात की ज़रूरत है कि ये जो रोज़गार देने वाले विषय हैं, इन्होंने एक्लिप्स कर लिया है जो जीवन दृष्टि देने वाली डिसिप्लिन और विषय हैं, फिलॉसफी, हिस्ट्री, मानविकी विषय, लिटरेचर, कलाएं, तो इसमें भी संतुलन लाने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब नहीं तो, विकास नहीं तो जैसे हम लोग तैयार करेंगे जी, वो रोजगार क्षम तो होंगे पर उनके पास विजन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये चीज मिसिंग है, ये हम बहुत ही शिद्दत से महसूस करते हैं कि चलिए रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन साथ साथ हम जो तनाव, समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वो शायद यही कारण है कि वो जो जीवन मूल्य होने चाहिए, आधार होना चाहिए, वो आधार हम कहीं ना कहीं मिस करते जा रहे हैं, और यहाँ भी एक रोजगार की आवश्यकता होगी। कोहली जी, विशेष करके जैसे आपने कहा कि पढ़ाने वाले शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यदि उनके जीवन में आदर्श है, चरित्र है, मूल्य है, तो डेफिनेटली बच्चों में जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आप आए हैं, यहाँ पे विशेष देश भर से शिक्षक आए हुए हैं, ब्रह्मा कुमारीज के प्रयास को आप किस रूप में देखते हैं, शिक्षकों के निर्माण में, मानवों के या इंसानों के निर्माण में? मुझे लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है वो व्यक्तियों के, मनुष्यों के जीवन को रूपांतरण करने में, ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम एक हल्के स्तर से थोड़े ऊपर उठते हैं और थोड़ा सा कुछ श्रेष्ठ तत्वों से, श्रेष्ठ बातों से जुड़ते हैं। ये जो व्यक्तित्व का रूपांतरण है, उसका पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप कुछ भी नाम दीजिए, ये बहुत बड़ा काम है। आखिर को स्वामी विवेकानंद मानव निर्माण, मानव निर्माण की जब बात करते हैं तो मानव निर्माण क्या है? आप भी मानव हैं, मैं भी मानव हूँ, लेकिन आप वैसे मानव बन जाएं जैसे स्वामी विवेकानंद चाहते हैं तो हम कहेंगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और मैं मान लो वैसा मानव नहीं बन पाया तो भी आपके दो हाथ हैं, मेरे दो हाथ हैं, आपके दो पाँव हैं, मेरे दो पाँव हैं, आपके दो कान हैं, मेरे दो कान हैं, हम हैं तो सभी एक ही। लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में रूपांतरण हो और वो श्रेष्ठ बातों की ओर झुके, उनका आग्रह करे, इस प्रकार की उसकी जीवन दृष्टि बने, ये एक बड़ा काम है। और इसको ब्रह्म कुमारी संस्थान नैतिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, इसका आग्रह रखा है। मुझे आज एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे इसी विषय पर बोलना था,
तो उस कार्यक्रम में मुझे कई पुस्तकों का एक सेट भेंट किया है इन्होंने, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कई पुस्तकें उनके टाइटल पर नज़र डाली तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में वो प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयोग सराहनीय है। किसी व्यक्ति को रोजगार सक्षम बना देना जितना ये महत्वपूर्ण है, उतना ही व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बना देना वो कहीं मुश्किल काम है, बड़ा काम है, चुनौती भरा काम है। और मुझको लग रहा है कि हमारे देश में ब्रह्म कुमारी संस्था और इसी प्रकार की और भी कई संस्थाएं वो अपने गैर फॉर्मल तरीके से शिक्षा देने का काम कर रही हैं जो सराहनीय है। शिक्षा में और राजनीति में, राजनीति से भी विशेष आप जुड़े हुए रहे हैं कोहली साहब, तो शिक्षा और ये जो राजनीति है दोनों में आप आध्यात्म के समावेश को, जैसे आपने कहा कि अध्यात्म, ब्रह्म कुमारीज भी आध्यात्मिक शिक्षा दे रही हैं, मानव का निर्माण कर रही हैं, इन दोनों क्षेत्रों में आध्यात्म का समावेश होना चाहिए, इस बात से आप कितना इत्तफाक रखते हैं? धर्म और नीति की आवश्यकता राजनीति में भी है और शिक्षा में भी है। तुलसीदास धर्म की परिभाषा करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित ही धर्म है और पर पीड़ा ही अधर्म है। अब परहित धर्म है तो बताइए राजनीति किस लिए होती है? राजनीति तो परहित के लिए होती है। जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो करते कुछ भी हों, लेकिन वो ओपनली क्या क्लेम करते हैं, हम तो जनहित कर रहे हैं, हमारी नीतियाँ देखिए, हमारी स्कीम देखिए, हमारी योजनाएं देखिए, कमिटमेंट करते हैं, जनता के सेवक हैं, जनहित के लिए काम करते हैं। तो यानी धर्म ही तो राजनीति है। धर्म को निकाल दीजिए राजनीति से तो क्या रह जाएगा? शून्य रह जाएगा। इसीलिए गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। आखिर को राम राज्य भी तो राजनीति ही थी, पर वो भिन्न प्रकार की राजनीति थी। बिल्कुल, और इनकी आवश्यकता आज है, ऐसा हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ें भी शामिल हों तो सचमुच वो जन कल्याण के लिए ही हैं, चाहे वो राजनीति है या शिक्षा है। बस लास्ट में मैं आपसे कोहली साहब यही जानना चाहूँगा, यहाँ के अनुभव को, यदि आप ब्रह्म कुमारीज में आए हैं विशेष ईश्वरी विश्वविद्यालय में, यहाँ के अनुभव को यदि मैं आपसे तीन शब्द में जानना चाहूँ तो वो तीन शब्द क्या होंगे? शांतिपूर्ण वातावरण, आज की छीना झपटी के युग में थोड़ा व्यक्ति को अपने अंतर पर विचार करने की प्रेरणा देने वाला, और सामाजिक प्रतिबद्धता, सोशल कमिटमेंट का निर्माण करने वाला, ऐसा यहाँ के वायुमंडल में दिखाई पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब। इच्छा तो हो रही है कि आपसे चर्चा करते रहें धर्म की, अध्यात्म की, लेकिन वक्त की सीमा है। आप हमारे पास आए स्टूडियो में और अपना अमूल्य समय दिया, अमूल्य विचार दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थे गुजरात के गवर्नर श्री ओपी कोहली जी, जिनके साथ बहुत ही गहन और सुंदर चर्चा रही है, शिक्षा के संदर्भ में भी और साथ ही राजनीति के संदर्भ में भी। वैसे भी शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत मूल्यवान है, किसी भी राष्ट्र का यदि निर्माण होता है शिक्षा नीति से होता है। शिक्षा के माध्यम से ही चरित्रवान युवकों का, चरित्रवान नागरिकों का निर्माण होता है। और कहीं ना कहीं, जैसे हमारी चर्चा हुई आज, शिक्षा में और साथ ही राजनीति में अध्यात्म की, मूल्यों की आवश्यकता हम शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं मित्रों, कि यदि हमें वीआईपी बनना है, हम सब चाहते हैं कि हम वीआईपी बने, राइट? लेकिन ये वीआईपी अलग है जो मैं आपको कह रहा हूं, वीआईपी अर्थात वैल्यूज इन पर्सनालिटी। हम वीआईपी तब बनते हैं वास्तव में जब हमारी पर्सनालिटी में, जब हमारे व्यक्तित्व में मूल्यों का समावेश होता है। यूँ तो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े ओहदे में रहने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, बहुत धनाढ्य व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, लेकिन दिल से सम्मान उनके लिए निकलता है जो सचमुच मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जो सचमुच जीवन को और नागरिकों को, देश को, समाज को मूल्यवान बनाने की सेवा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि न केवल शिक्षा नीति में बल्कि राजनीति में भी सुंदर मूल्यों का, अध्यात्म का समावेश होगा और हम एक स्वर्णिम समाज, स्वर्णिम राष्ट्र और स्वर्णिम विश्व की ओर बढ़ेंगे। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।